खबर रीवा से, एसपी भसीन की अध्यक्षता में पुलिस अमले की कंट्रोल रूम में एक मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग के दो प्रमुख बिंदु थे। एसपी नवनीत भसीन ने बताया कि ऐसे कई आरोपी हैं जिन्होंने गंभीर अपराध किए हैं, लेकिन फिर भी वो छूट जाते हैं। साथ ही कई बार कुछ मामले अनसुलझे रह जाते हैं जिसके निवारण हेतु मीटिंग बुलाई गई थी। साथ ही ऐसे आरोपी जिन्होंने अवैध कब्जे कर रखे हैं उनकी संपत्ति की जानकारी जुटाने की बात भी मीटिंग का टारगेट पॉइंट रही है, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट की सहभागिता भी रहेगी। दोनों मुद्दों को लेकर मीटिंग की जा चुकी है। अब देखना होगा कि जमीनी स्तर पर ये किस तरह से लागू होती है। आप केवल नंबर निकाल दें कि ये नंबर हमको इसके मिले हैं, इसके साथियों के मिले हैं, बाकी सब काम हम लोग कर लेंगे। आज की बैठक के जो मुख्य टारगेट हैं वो ये हैं कि कई बार किसी प्रकरणों में, कुछ गंभीर अपराधों में कुछ आरोपी छूट जाते हैं या कुछ मैटर अनसुलझे रह जाते हैं, उनको टारगेट किया गया। साथ ही उन गुंडे बदमाशों की संपत्ति की जानकारी निकाली जा रही है जिन्होंने अवैध कब्जे कर रखे हैं, अवैध निर्माण कार्य कर रखे हैं। इस हेतु रेवेन्यू की टीम भी हमारा सहयोग कर रही है। तो हमारा प्रयास यह है कि अगले कुछ दिनों में ऐसे स्ट्रक्चर उनके आइडेंटिफाई किए जाएँ, ऐसे प्लेसेज आइडेंटिफाई किए जाएँ जहाँ उन्होंने अपनी अवैध कमाई से उनका अर्जन किया है, कब्जे किए हैं अपना भय दिखाकर, जिससे कि हमारी पुलिस और रेवेन्यू की टीम उन पर आवश्यक कार्रवाई कर सके।